असीम और सिद्धार्थ का हो गया है झगड़ा और उसके बाद क्या हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो घर में एक टास्क चल रहा है जो एलिट क्लब का टास्क है और इसी से एलिट क्लब का मेंबर चुना जाएगा और इसी से नॉमिनेशन की लिस्ट बाहर आने वाली थी। लेकिन ये क्या, इसका संचालक बना गया था वहां पे असीम रियाज को और असीम में और सिद्धार्थ शुक्ला में बड़ा झगड़ा होता है और इसमें हाथापाई भी होती है। असीम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला को धक्का देते और ऐसी भी न्यूज है कि इलीट क्लब की जो मेंबरशिप थी असीम रियाज की वो भी उनसे छीन ली है। लेकिन इतना ही नहीं, अब ये नॉमिनेशन की लिस्ट हमारे पास अभी तक नहीं आई है और बड़ी खबर बिग बॉस के घर से बाहर आ रही है और वो खबर मतलब जो भी ये टास्क था इलीट क्लब का यानी नॉमिनेशन का, तो ये टास्क ही बिग बॉस ने वहां पर कैंसिल कर दिया है। यानी बहुत सारे झगड़े के कारण ये टास्क वहां पर कैंसिल कर दिया गया है। अब इस पर क्या बिग बॉस डिसीजन लेंगे, क्या फिर एक बार पूरा का पूरा घर यानी 9 के 9 सदस्य नॉमिनेट हो जाएंगे या फिर क्या होगा, इस पर कोई बड़ी खबर हमारे पास नहीं आई है। लेकिन यही बड़ी न्यूज है कि ये जो टास्क था एलिट क्लब का ये कैंसिल कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आपको ही पता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जैसे ही आज का एपिसोड आएगा आपको ये सारा जो ड्रामा है ये देखने मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको ऐसी भी बड़ी बड़ी न्यूज चाहिए तो हमारे चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहिए सिर्फ एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।